हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ सत्यगत डिफेंस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो आपके 62 नंबर यानी कि 62 नंबर टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है। इस टेस्ट पेपर में हम 15 प्रश्न देखेंगे जो कि जीके से रिलेटेड होंगे, और जीके के इन 15 प्रश्नों का हम जो हल है वो निकालेंगे। क्या करेक्ट आंसर होगा वो सारा हम देखेंगे। यदि मुझे कुछ आपको अधिक जानकारी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी तो भी मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिख दें। आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न आज का क्या है। चलिए, राज्यसभा के एक सदस्य के लिए अवधि क्या है भैया? राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, तो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष, कितने साल होता है राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल? तो 6 साल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम धूमधाम से करेक्ट होगा। प्रश्न देखेंगे दूसरा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा भैया? बृहस्पति, बुध या वीनस? वीनस आपके शुक्र कहलाता है, जिसे हम सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि आकृति और घूर्णन में लगभग समान आपके पृथ्वी की तरह ही है ये वीनस। ठीक है, और बुध सूर्य के सबसे करीब, ठीक है, सर्वाधिक तापांतर यानी कि दिन में इतना गर्म और रात में सबसे ठंडा, सर्वाधिक तापांतर बुध का है। बृहस्पति, बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा, बृहस्पति इसका ही सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गैलीमेट। ऑप्शन, सवाल क्या पूछा हमसे? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो ग्रह आपके बृहस्पति हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 3, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? कौन थे भैया? देखो, गोपाल कृष्ण गोखले? नहीं सा, बिल्कुल नहीं। मदन मोहन मालवीय? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय ने आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है और याद कर लेना भैया। तो आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 4, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? महासागर है ना, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सागर अलग होता है, महासागर अलग होता है, ठीक है, खाड़ी अलग होती है। कमेंट करो दोस्तों, सबसे गहरा हिंद, अटलांटिक, प्रशांत, अरब, प्रशांत महासागर विश्व में सबसे बड़ा महासागर है, पैसिफिक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है, विविध के रूप में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, नागेंद्र सिंह, भगत सिंह, डॉक्टर हरदयाल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नागेंद्र सिंह। ठीक है, 5 प्रश्न हो गए, 10 प्रश्न बाकी है। प्रश्न संख्या 6, सुंदरबन का डेल्टा किस राज्य में है भैया? बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या ओडिशा? कमेंट कर दीजिए। तो सुंदरबन डेल्टा आपके बिहार में है नहीं, राजस्थान में है नहीं, ओडिशा में है नहीं, तो कहाँ पर होगा भैया? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। देखते हैं सवाल अगला, प्रश्न संख्या 7, गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? कमेंट करो भैया, गौतम बुद्ध कद जन्मिया?
563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। लुम्बिनी कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ, लुम्बिनी नामक वन में इनका जन्म हुआ। माता इनकी महामाया थी, पिता इनके शुद्धोदन थे और इनके एक बेटा हुआ जिसका नाम था आपके राहुल। और राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था, जिस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। वंदे मातरम राष्ट्रगान के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शरद चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता थे। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, ओहो अच्छा सवाल है, बताइए भैया, हीराकुंड, भागड़ा नगर, दामोदर वैली या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो आपके दोस्तों भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, परंतु सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना देखी जाए तो आपके भागड़ा नगर होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये लो दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो गया। देखते हैं अगला सवाल हमारा। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है? नहीं सर। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? बिल्कुल नहीं। भारत का राष्ट्रपति? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? भारत का राष्ट्रपति, ये लो पति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। प्रश्न संख्या 11, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मंडोक उपनिषद से, न्याय सूत्र से, ऋग्वेद से या सामवेद से? ठीक है, तो वेद कितने आपके? 4, वेदांग 6। ठीक है, उपनिषदों की संख्या 108, प्रामाणिक 13। ठीक है, उन 13 प्रामाणिक में से एक आपके मंडोक उपनिषद यानी कि मुंडको उपनिषद आप जिसे कहते हैं, संयुक्त रूप से पढ़ते हैं, इनके बीच में जब प्लस लग जाता है तो मुंडको उपनिषद हो जाता है। तो मंडोक उपनिषद सद से सत्यमेवा जयते लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए 12, लोकसभा का नेता कौन सा होता है? ये सवाल पहले भी आ चुका है, अच्छा सवाल था। लोकसभा का नेता क्या राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है या इनमें से कोई भी नहीं होता? लोकसभा का नेता दोस्तों आपके प्रधानमंत्री कहलाता है। कौन हो जाएगा भैया? प्रधानमंत्री आपके लोकसभा का नेता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पढ़िए सवाल और उत्तर कमेंट कीजिए। इम्फाल, शिलोंग, आमेर, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से हमें बतानी है मिजोरम की राजधानी। ठीक है, मिजोरम की राजधानी कौन सी हो जाएगी भैया? इम्फाल, शिलोंग या आमेर? इम्फाल तो हो गई मणिपुर की, शिलोंग हो गई आपके मेघालय की, मिजोरम की हो जाएगी आपके आइजोल। आइजोल ये होगी आपके मणिपुर और शिलोंग के हो गए आपके, शिलोंग हो गए आपके मेघालय के। ओके डन, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, डी करेक्ट है।
प्रश्न संख्या 14, अर्जुन अवार्ड किस लिए दिया जाता है? भाई अर्जुन अवार्ड क्यों दिया जाता है? विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, अच्छे पतियों के लिए, अभिनेताओं के लिए? तो भैया मेरे हाथ में होता तो मैं तो ये इनको देता, अच्छे पति होते हैं जो अपनी लुगाई का ख्याल रखते हैं उनको मैं अवश्य रूप से ये देता, परंतु तो लक्कड़ नहीं है इसलिए खिलाड़ियों को दे दिया। ठीक है, पति पत्नी लड़ाइयाँ बहुत करते हैं इसलिए खिलाड़ियों को दे दिया गया अर्जुन पुरस्कार। प्रश्न 15, वेदों की संख्या कितनी है? ठीक है, लास्ट सवाल है, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, 4 आपके वेद हैं, वेदांग आपके 6 हैं, उपनिषद आपके 108 है, प्रामाणिक आपके 13 है, पुराण आपके 18 है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे, पुराण से संबंधित आप समझ सकते हैं, विष्णु पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, ये सारे पुराण कहलाते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके सर्टिफिकेट, अगली क्लास कल लेंगे सुबह जल्दी, तो आइएगा कल इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे, तो के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।